इस साल पर्याप्त वर्षा नहीं होने से दुमका जिले में जितनी नदियां और जोरिया हैं वो करीब करीब सभी सूख चुके हैं। आने वाले समय में इन नदियों के सूखने से, झरना जोरिया के सूखने से पानी का घोर संकट होगा, खास करके मनुष्य के अलावे पशु पक्षियों को भी पानी के लिए समस्या का सामना करना पड़ेगा। सरकार के लिए क्या पहल होने चाहिए अभी से, क्या पानी के लिए क्या होगा? नदियों में के सूख जाने से पानी का जलस्तर काफ़ी नीचे जाने की उम्मीद है, संभावना है, इसलिए सरकार को अभी से जो स्रोत है, चापाकल है या और जो अन्य स्रोत है, उसे जीवित करने की आवश्यकता है, चापाकल को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में पानी की समस्या से लोगों को निजात दिलाया जा सके। दुमका में नदियों का जल स्तर कितना कम हुआ है इसका अंदाजा आप दुमका के पुसारो नदी को देखकर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह नदी बिल्कुल एक नाले का रूप ले चुकी है। इस नदी में इस वक्त काफ़ी पानी बहता था, लोग इससे काफ़ी लाभान्वित होते थे, लेकिन आज यह बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर है। ईटीवी भारत के लिए दुमका से मनोज केसरी।